लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी और निवेदन किया महामाया सीता जी से उसे पार न करने का। स्वयं मायावी मृग की करुण पुकार के छलावे में आकर वहां से दूर चले गए। लक्ष्मण के जाते ही बाहर सुलभ हुआ रावण को अवसर, कुटिया के द्वारे पर आया, याचक बनकर वचन सुनाया। भिक्षाम देही भवति भिक्षाम देही, योगी द्वारे आया जान के देने चली दान वैदेही। रावण बोला, बंधी हुई भिक्षा लेना हमें स्वीकार नहीं। बाहर पग धरने चली यो ही सीता, सीता को बिठा पर बस रथ पे, ले चला दुष्ट नभ के पथ पे। शोका कुल राम की रानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण सिया राम की अमर कहानी है। क्रंदन करुण जान हृदय का शोक, उड़ते हुए जटायु ने ली अपनी गति रोक। वे जान गए कि विलाप करने वाली रघुकुल तिलक राम जी की जीवन संगिनी सीता जी हैं। उन्होंने रावण को ललकारते हुए कहा, अरे रे दुष्ट, वहीं ठहर जा, मेरे प्राण रहते तू जानकी जी का हरण करके नहीं ले जा पाएगा। गिद्धराज ने रथ पर आक्रमण कर रावण को विरथ कर दिया और चौंच मार मार कर उसके सारे तन को घावों से भर दिया। वह घड़ी भर के लिए मूर्छित होकर जागा तो कर्तन करने लगा जटायु के पंखों का। उसने पंख भले ही काट दिए, परंतु जटायु की राम जी के प्रति भक्ति, सीता के प्रति स्नेह और कर्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं काट पाया। गिद्धराज भूमिगत होकर दूरगामी दृष्टि से रथ के गमन की दिशा देखते रहे। उधर रथ दूर निकल गया, इधर लक्ष्मण जी आ पहुंचे राम जी के निकट। लक्ष्मण आता लगे पूछने, बोलो भ्राता। वन में हिंसक पशु और निश्चर, छोड़ी सिया किसके आश्रय पर। आश्रम छोड़ यहाँ क्यों आए, किस कारण दायित्व भुलाए। सीता मात भ्रमित हुई सुनकर नाद कठोर, क्रोध विवश हट कर मुझे भेजा आपकी ओर। तुम जो आए हो यहाँ मेरी आज्ञा टाल, सुनो
तात इस बात में विधना की कोई चाल। दृष्टिगोचर हुआ आश्रम जब के सिया विहीन, राम रोने लगे जैसे मनुज कातर दी। मन विरह वेदना से है भारी, पूछो किस से कहां प्राण प्यारी। पर्वतो पंछियो तरुलता, जानकी का पता कुछ बताओ, जानकी का पता कुछ बताओ। दृष्टि चारों दिशा ढूंढ हारी, दृष्टि गोचर न हो प्राण प्यारी। पहुंच गए सिया खोजते प्रभु जटायु के पास, राम मिलन को रोक कर रखी थी उसने श्वास। राम को देखते ही बोला, दक्षिण दिशि में रथ पे बिठा कर सिया को ले गया रावण निश्चर। मैंने बल प्राणों का लगाया पर सीता को छुड़ा न पाया। इतना कहकर जटायु ने प्राण छोड़ दिए। राम जी प्राणी मात्र से प्यार करते हैं, जिसका जैसा रोग उसे वैसी ही औषधि देकर उसका उपचार करते हैं। राम जी ने देखा कि शिलाखंड के समान एक कलेवर पड़ा हुआ है। वे जान गए कि यह कबंध है किसी समय का गंधर्व, ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। राम जी ने कबंध का संहार कर उसे शापित तन से मुक्त किया। कबंध का उचित प्रबंध कर राम जी आगे बढ़े तो एक तपस्विनी की आध्यात्मिक सुरभि आघ्राण करने लगी। कौन है यह प्रतीक्षा की सजीव मूर्ति? कौन सी कामना लेकर बैठी है? करनी है जिसकी पूर्ति। पंथ प्रभु को ले जाने लगा शबरी के आश्रम की ओर, अर्थात राम रूपी चंद्र जाने लगा जिधर प्रतीक्षारत है शबरी रूपी चकोर। गुरु मतंग के वचन पर लेकर दृढ़ विश्वास, शबरी देखे राम पथ ले दर्शन की आस, युग युग की है प्यास।
राम जी, ऋषि मतंग के कहे अनुसार आपके दर्शन तो हो गए, परंतु ना मुझे भक्ति आती है ना पूजा। कृपा कर एक उपकार कीजिए, मुझ पर भक्ति का रहस्य खोल दीजिए। माता शबरी, तेरे भावों में समस्त भक्तियों का समावेश है, फिर भी तूने पूछा है तो तुझे नवधा भक्ति का ज्ञान देता हूँ। सुन री शबरी, प्रथम भक्ति है संतों का सत्संग हो, दूसरी भक्ति के प्राणों से भी प्रिय मम कथा प्रसंग हो, तीजी भक्ति के गुरु चरण सेवा सज अभिमान, चौथी भक्ति के निष्कपट मम गुण पुंज बखान, मम गुण पुंज बखान। राम मंत्र का जाप निरंतर और भरोसा राम पर, ये है पंचम भक्ति के जिसकी महिमा वेदों में मुखर। छठी भक्ति है इंद्रिय वश कर मन बहु कर्म विरक्त हो, सद्व्यवहार में धर्माचार में संतों के अनुरक्त हो। भक्ति सातवी को समदृष्टा जगत राम में मानना, संत जनों का आदर करना मुझसे बढ़ कर जानना। अष्टम भक्ति के जो मिल जाए उस पर ही संतुष्ट हो, अपने गुण और दोष पराए सपने में भी मत गिनो। नवी भक्ति है सरलता कपट रहित व्यवहार, हर स्थिति में रहना अचल लेकर रामाधा, लेकर रामाधा। पूछे राम बता कुछ माता, कहाँ मिलेगी जनक सुजाता, उसकी खोज में बन बन डोले, कुछ भी नहीं चराचर बोले। शबरी के वायु बन प्राण चले, और राम प्रभु से जाए मिले, यूं ज्योत में ज्योत समानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। जय श्री राम। राम जी के चित्रकूट से प्रस्थान के पश्चात पहला पड़ाव था अत्रि ऋषि का आश्रम। यहाँ राम लक्ष्मण सीता ने ऋषि से आशीर्वाद तथा सती अनुसुईया के आंचल से वात्सल्य और ममता के मणिमुक्ता प्राप्त किए, मुनिजनों को दर्शन देकर अनुग्रहित किया, पृथ्वी को
निश्चर विहीन करने का संकल्प लिया। रावण की बहना शूर्पणखा को विकलांग तथा खरदूषण और त्रिशरा को दलबल सहित अकेले ही नष्ट कर रावण को रामावतार की सूचना भेजी। महाप्रतापी महाबली शिव के अनन्य भक्त रावण के पुण्यों का क्षय आरंभ हुआ सीताहरण के दुराचरण से। सीताहरण के पश्चात हमने देखे पत्नी के विरह में रोते हुए मानव रावण, जटायु के निकट मिले प्राणी मात्र पर द्रवित होते दयालु राम। प्रेम का नाता अटूट नाता है, सर्वोत्कृष्ट जाति है भक्त की। भिलनी शबरी के हाथों जूठे बेर खाकर यह सत्य प्रमाणित कर दिया भक्त परायण भगवान राम ने। प्रभु के पंपासर पहुँचने पर देवर्षि नारद उनके दर्शनार्थ पधारे और सविनय बोले, प्रभु वेद कहते हैं आपके अनेक नाम हैं, सब एक से बढ़कर एक। मुझे यह वर देकर अनुग्रहित कीजिए कि राम नाम सब नामों में सबसे महत्वपूर्ण तथा तुरंत फल देने वाला हो। जो जन जप तप योग वैराग्य कुछ नहीं जानते, साधना के मार्ग से सिद्धि तक नहीं पहुंच सकते, उनके पाप रूपी पक्षियों के समूह नष्ट करने में राम नाम वधिक जैसा काम करे। यही नाम कलयुगी जीवों के कलुष रूपी अंधकार को मिटाने में सूर्य के समान हो। राम जी ने कहा, एवं अस्तु, कलयुग में होगा यही राम नाम आधार, इसी नाम को सुमिर जन उतरेंगे भव पार। प्राणी पथ भूले पथिक, भव है विकट अरण्य, इस अरण्य में राम का हर आचरण वरण्य।